दोस्तों, बिना कांटे की मछली यानी एक कांटे वाली मछली, हर मछली खाने वाले की पसंद की पहली मछली होती है एक कांटे वाली मछली। वजह इसलिए कि एक कांटे वाली मछली ज़्यादा कांटे वाली मछली से बहुत आसानी और बिना परेशानी के खाया जा सकता है। और दोस्तों, हर मछली खाने वालों को ज़रूरी है ये जानना कि एक कांटे वाली मछली कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक कांटे वाली मछली कौन कौन। बाम मछली। दोस्तों, बाम मछली नदी तालाब में रहने वाला एक मछली की प्रजाति है। और दोस्तों, इस प्रजाति में बहुत सारी प्रजाति आती है, एक सांप जैसी तो दूसरी ऐसी, ये जो दिख रही है। और दोस्तों, इनमें कई प्रजातियों में एक कांटे वाली ही होती है। और दोस्तों, ये बाहर से दिखने में चिकनी होती है। और दोस्तों, ये इंडिया में बहुत आसानी से पाया जा सकता है। उसके बाद आता है सिंगी मछली। दोस्तों, सिंगी मछली आजकल कौन नहीं जानता। दोस्तों, सिंगी मछली को डॉक्टर लोग भी खाने के लिए बोलते हैं। और दोस्तों, ये कई बीमारियों में भी काम आता है। दोस्तों, इस मछली में भी एक ही कांटा होता है। आमतौर से ये जो है नदी और तालाब में पाला जाता है। और दोस्तों, इसको अब तो इसकी फार्मिंग भी की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह मछली जो है ना आप खाएंगे तो इस मछली में भी एक ही कांटा होता है। और दोस्तों, ये मंडियों में आसानी से भी मिल जाता है। उसके बाद आता है मागुर मछली। दोस्तों, मागुर मछली नदी तालाब में पाले जाने वाला सबसे ज्यादा मछलियों में से एक है। दोस्तों, इस मछली को अभी के टाइम पे जो है आदमी बहुत कम लोग खाते हैं। और दोस्तों, इस मछलियों में भी एक ही कांटा होता है। आमतौर पर ये ज्यादातर मंडियों में जिंदा मिल जाता है, क्योंकि इसको जिंदा रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आता है दोस्तों रेहू मछली। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली रेहू मछली है, क्योंकि ये मछली सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसमें जो है ना कैंसर से लड़ने की भी जो है इसमें क्षमता होती है। दोस्तों, ये मछली सेहत के लिए अच्छा होने के साथ साथ इसका मांस भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, और दोस्तों, ये एक कांटे की मछली माना जाता है, क्योंकि ये जितना भी बड़ा होता है उतने उसके कांटे कम लगते हैं। और दोस्तों, ये जो है नदी तालाब में पाला जाता है। दोस्तों, ये है भिटकी मछली। दोस्तों, भिटकी मछली जो है बहुत ही अच्छा मछली होता है। इसको जो है आपको बंगाल के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और दोस्तों, उसके बाद ये जो है ना सबसे ज्यादा खाया जाता है बांग्लादेश में। और दोस्तों, ये जो है टेस्टी होने के साथ साथ दोस्तों इसका मांस जो है, इसका गोश्त बहुत ही ज्यादा लजीज और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद आता है दोस्तों सुरमई मछली। दोस्तों, सुरमई मछली देखने में जितना चमकीला और सुंदर है, हालांकि उससे कई गुना ये टेस्टी भी है। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये मछली जो है समंदर में पैदा होती है, इसकी पैदाइश नदी तालाब में नहीं की जा सकी। और दोस्तों, शायद अगली बार इसको यहाँ पर पैदा करने की कोशिश जारी है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये टेस्टी होने के साथ साथ एक कांटे वाली मछली भी है। दोस्तों, इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह शौक से लोग खाते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसमें मरकरी पाए जाने की वजह से इसको हफ्ते में एक बार खाना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सिंघाड़ा मछली। सिंघाड़ा मछली दोस्तों नदी और तालाब में पाले जाने वाला एक मछली है। इंडिया में इसकी फार्मिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में की जाती है। और दोस्तों, ये जो है मार्केटों में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। इसकी खास बात ये है कि दोस्तों इसमें जो है एक कांटे के साथ साथ बहुत ही टेस्टी मछली भी होता है। दोस्तों, इस तरह की मछली भी आप जो है खा सकते हो। इसका जो रेट होता है मार्केट में वो साइज के हिसाब से होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है कौवा मछली की बारी। कौवा मछली आम तौर पर आपको नहर और सागर में देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, इसके सामने एक लंबी सी चोंच होती है और उस चोंच में बहुत सारे दांत होते हैं। और दोस्तों, ये बारीक पतली लंबी मछली होती है। दोस्तों, ये जो है टेस्टी मछलियों में से है। और दोस्तों, इसमें भी एक ही कांटा होता है, हर कोई आसानी के साथ खा सकता है। दोस्तों, कम कांटे वाली मछली की बात की जाए
और उसमें जो है टेंगरा मछली ना आए, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, टेंगरा मछली एक जो है नदी तालाब में मिलने वाला एक मछली है, जो कि अब इसकी फार्मिंग भी की जाने लगी। और दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ एक कांटे वाली मछली भी है। उसके बाद दोस्तों, गुल्लू मछली की बारी आती है। गुल्लू मछली आपको तालाब या नदी के नीचे के हिस्से में बिल्कुल रेत में लेटी हुई मिलती है और ये रेत से लग के ही चलती है। दोस्तों, इस मछली में भी एक ही कांटा होता है और दोस्तों इसका मीट बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद आता है दोस्तों पंकज मछली की बारी। दोस्तों, पंकज मछली को आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि ये हर दुकान में आसानी के साथ मिल जाता है। दोस्तों, ये टेस्टी होने के साथ साथ इसमें एक कांटा भी होता है, जो कि आदमियों को खाने के लिए बहुत ही ज्यादा आमादा करती है। और दोस्तों, ये जो है इसमें तेल की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों, ये मंडियों में आसानी के साथ मिल जाता है 12 महीने, और दोस्तों 1-2 महीने तो ये जिंदा भी मिल जाता है। जिंदा ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी करें।